हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन वेलफेयर के काम आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने बात की माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सिवेज ट्रीटमेंट, कि सिवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। सिवेज क्या है आपके पास? सिवेज मीन्स म्यूनसिपल वेस्ट, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जनरेटेड जो आपके पास सिटीज और टाउन्स में म्यूनसिपल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सब कुछ। सिवेज कंपोजिशन क्या है? केमिकली सिवेज कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ वाटर एंड 1% सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट में आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सिवेज इंक्लूड, उसके अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो फंगस, आपके पास प्रोटोजोआ, माइक्रो एल्गी, ये सब इंक्लूड होता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है सिवेज के? इट रिजल्ट्स इन डिस एमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, बहुत ज़्यादा कोज करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है। और जो आपके पास डिजोल्ड ऑक्सीजन कंटेंट है उसे भी ये क्या है, खत्म करता है। डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होने के कारण जो आपके पास एरोबिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका लेवल एकदम से डाउन चला जाता है। अनट्रीटेड सीवेज प्रोड्यूसेस, आपके पास बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उसमें से। सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सीवेज आपके पास ट्रीटमेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे है। इस सीवेज ट्रीटमेंट की डिटेल पढ़ेंगे बेटा हम, ये मत सोचना कि मैडम ने अभी करवाया नहीं है, ये आपके पास फिफ्थ यूनिट में पॉल्यूशन वाले चैप्टर में फिर से आना है, तो इसकी डिटेल हम वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं नोटबुक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसका भी स्पेसिफिक रीजन है कि यहाँ क्यों छुड़वा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बैक्टीरियाज के नेम आएंगे एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड विद ऑल बैक्टीरिया नेम। तो एक बार आप स्पेसिफिकली ये कवर कर लीजिए, वो वहाँ तब बैक्टीरियाज के नेम इतने ज़्यादा नहीं है, वो उस टॉपिक में इजिली कवर हो जाएगा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में कैसे माइक्रोब्स काम आ रहे हैं? बायोगैस है क्या आपके पास? मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो आपके पास डिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम कर रहे हैं तो आपके पास वो प्रोड्यूस हो रही है। लो कॉस्ट अल्टरनेटिंग, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है अल्टरनेटिंग सोर्स की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। माइक्रोब्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या है आपके पास? एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें मेनली इन्वॉल्व है, मिथेनोबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम, यू बैक्टीरियम और ह्यूमिनोकोकस इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम बायोगैस की कंपोजिशन की बात करें तो इसका मेजर कंपोनेंट क्या है आपके पास? मिथेन, मिथेन है 50-68%, कार्बन डाइऑक्साइड है 25-35%, हाइड्रोजन है 1-5%, नाइट्रोजन है आपका 2-7% और ऑक्सीजन है 0-0.1%। रेयरली इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की अगर, बायोगैस जो है आपके पास कमर्शियली वो प्रोड्यूस किया जा रहा है बायोगैस प्लांट के अंदर, जिस जो क्या है आपके पास स्पेसिफिक कंक्रीट टैंक से मिलके बना होता है जिसमें एक फ्लोटिंग लिड भी प्रेजेंट होती है। सी हेयर, दिस इज द डायग्राम, ये है आपके पास बायोगैस प्लांट का एक आपके पास ओवरव्यू, ये है आपके पास वो कंक्रीट टैंक जिसमें आपके पास क्या है ये फ्लोटिंग लिड। फ्लोटिंग लिड का मतलब इसकी पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, ये अप एंड डाउन जा रहा है आपके पास। ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है कैटल डंग और वाटर को, जो स्लरी स्लरी वाटर के साथ मिक्स होके आपके पास, यहाँ आप इसका एंट्री पॉइंट यहाँ से शो कीजिएगा बेटा, जो रेड पॉइंट से नीचे की साइड, इतना अप शो नहीं करेंगे आप, नीचे की साइड ही शो करेंगे। और ये अपर साइड पे एक स्लज टैंक होता है जो फर्टिलाइजर मतलब यहाँ पे इसके थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ये बायोगैस यहाँ जनरेट हो रही है फ्लोटिंग लिड के थ्रू, जिसे आउटलेट पाइप के थ्रू निकाल लिया जाता है। इसे कंक्रीट टैंक को डाइजेस्टर की तरह यूज किया, फ्लोटिंग लिड से इसे कवर किया गया है। बायोगैस प्लांट इज फेड विद अ मिक्सचर, इसके अंदर क्या है आपके पास डंग और वाटर का इक्विवेलेंट मिक्सचर हम डालते हैं। कैटल डंग के अंदर सेल्यूलोजिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, प्लांट का जो मटेरियल है, और डंग के अलावा जो अदर रॉ मटेरियल है जैसे किचन वेस्ट भी यहाँ पे क्या है यूज़ किया जा सकता है। स्लरी को उस टैंक के अंदर फिट करने डालने के बाद, फीड करने के बाद जो बायोगैस टैंक है आपके पास उसे फ्लोटिंग लिड से कवर कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे आपके पास राइज करता रहता है। जैसे जैसे गैस जनरेट करेगी वो राइज करता रहेगा, स्लरी से जो गैस बनेगी। द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑन द स्लरी ऑफ द डंग रिजल्ट्स इन द रिलीज, उसमें से आपके पास ये बायोगैस रिलीज होगी जो आउटलेट पाइप के थ्रू निकाल ली जाती है। और ये जो पाइप है आपके पास ये सप्लाई लाइन से कनेक्ट होता है। लेफ्ट ओवर जो स्लरी यहाँ बच गई यहाँ पे ये वाले पार्ट, उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है फील्ड एरिया में। मतलब आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल था, अगर आप इसे ओपनली छोड़ रहे थे तो ये आपके पास पोल्यूशन कॉज कर रहा था, आपने इसे यूज किया, बायोगैस भी मिल गई आपको एज अ फर्टिलाइजर, आपको
फील्ड एरिया के लिए मटेरियल भी मिल गया, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास बायोगैस की, ये आपके पास फ्यूल की तरह यूज़ होता है, कुकिंग में, हीटिंग में, लाइटनिंग में और अदर पर्पसेस के लिए भी। ये इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें माइक्रोब्स की एज अ बायो पेस्टिसाइड, तो बायो पेस्टिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बायो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं बेटा? पेस्टिसाइड, सिंपली पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल द पेस्ट, है ना। जैसे विडिसाइड जो विड्स को मार दे, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मार दे। बायो पेस्टिसाइड, जब आप लिविंग मटेरियल को यूज कर रहे हो किसी और पेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, खत्म करने के लिए, विड्स को, पेस्ट को मारने के लिए। तो ये आपके पास दो टाइप के हैं, एक तो है आपके पास बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड। बायो हर्बिसाइड्स क्या है बेटा? बायो मतलब लिविंग, हर्बिसाइड्स जो हर्ब को डिग्रेड करे, खत्म करे। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ हर्ब्स, जो विड प्लांट हैं, जो हर्ब्स प्लांट हैं, विड्स हैं, खरपतवार टाइप हैं, एक्स्ट्रा जो ग्रो कर गए हैं आपके क्रॉप प्लांट के साथ, उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब लिविंग मटेरियल के थ्रू ही उनको खत्म करना। वो बायोलॉजिकल एजेंट जैसे इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, पैरासिटिक प्लांट, इनके थ्रू इनको खत्म करना। विथ सप्रेस और किल द विडी प्लांट, ये सारे क्या करेंगे, इनको रोक देंगे विडी प्लांट की ग्रोथ को। और जो स्पेसिफिक प्लांट होगा ये उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ जो विड प्लांट है उनको खत्म कर देंगे। कुछ एग्जांपल ले सकते हो आप विंड कंट्रोल के लिए बायो हर्बिसाइड्स। आपके पास कुछ एग्जांपल अगर हम ले तो द फर्स्ट बायो हर्बिसाइड वॉज डेवलप्ड बाय ए फंगस, 81 में फंगस के थ्रू तैयार हुआ था। और हर्बिसाइड क्या था आपके पास? फाइटोपथोरा पाल्मी वोरा। ये क्या है आपके पास? ये जितने भी मिल्क विड वाइन्स, ये आपके पास विडी प्लांट का नाम है, सिट्रस ऑर्किड्स के अंदर, ये सिट्रस प्लांट्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस मिल्क विड वाइन्स को फाइटोपथोरा पाल्मी वोरा फंगस के थ्रू क्या है, खत्म किया गया था। एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ कैक्टाई इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वॉज चेक्ड बाय, बहुत ज़्यादा कैक्टस की ग्रोथ हो जाती है, इसके लिए आपके पास कैक्टोब्लास्टिक कैकोटोरम इंसेक्ट, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इंसेक्ट का नाम है। इस इंसेक्ट को छोड़ दिया, इस कैक्टस प्लांट को अपने आप खत्म कर देगा। जो आपके पास क्लामथ वीड है उसको रोका जाता है बेटा काइरी सोलनिया बिटल्स के थ्रू। वाटर हाइकेंथ टेरर ऑफ बंगाल था, उसको कंट्रोल किया जाता है, फंगस है क्रैकोस्पोरा रोडामामनी के थ्रू और अल्टरनेरिया इकोरनिकिए के थ्रू। स्केलेटन वीड जिसका नाम है आपके पास कॉन्ड्रीला जुंसिया, इसे कंट्रोल किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंगस के थ्रू, और फंगस का नाम है पक्सीनिया कॉन्ड्रीला। कुछ अगर हम फंगल आपके पास हर्बिसाइड्स के नाम भी लें तो आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फंगल स्पोर्स के थ्रू आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ट्रेड नेम है उनके लिए जैसे डिवाइन कॉलिगो, ये विड प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में काफ़ी। मैं आपके पास एक ये मतलब सीरीज में आपके पास छोटी सी टर्म है, बिना किसी नंबर के इसकी हेडिंग डाल लेना, स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स क्या है आपके पास? ये वो क्रॉप होती है बेटा जो अपने आसपास विड प्लांट को ग्रो ही नहीं करने देती, ये नेचुरली ग्रो नहीं करने देंगी, जैसे अल्फा अल्फा, सोयाबीन, सनफ्लावर, तुलसी, ये कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं इनके। इनके आसपास विड प्लांट जल्दी से देखने को नहीं मिलते। आपके पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल आपने चेंज कर दिया, वो अपने साथ उनके अंदर क्या है, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस, वो अपने आसपास उन हर्ब्स छोटे छोटे विड प्लांट को ग्रो ही नहीं करने देंगे। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करेंगे हम फोर्थ यूनिट में। बायो इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स के खिलाफ लिविंग मटेरियल काम कर रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही कुछ आपके पास पेस्ट मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए हम काम में लाते हैं बेटा इन बायो इंसेक्टिसाइड्स को। और इनके लिए कुछ मेथड क्या हैं, बैक्यूलो वायरस, ये क्या है आपके पास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस अकर्स नेचुरली, जो नेचुरली मिल रहा है ग्रुप ऑफ वायरस है, बैक्यूलो वायरस एक वायरस का मतलब ग्रुप है, स्पेसिफिक टू सम इंसेक्ट्स, जो कुछ इंसेक्ट्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ये उनके अलावा किसी पे काम नहीं करता। ये रॉड शेप्ड में वायरस होते हैं, बैक्यूलो वर्ल्ड नाम ही बता रहा है, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल हैविंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बहुत ज्यादा छोटे हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इनको हम दो ग्रुप के अंदर, दो जेनरा के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है ग्रेन्यूलो वायरस जिसे जीवी के नाम से जानते हैं, एंड अदर इज द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस एनपीवी के नाम से जानते हैं। मोस्टली जो एनपीवी है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, उन्हें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की
तौर पे ज्यादा यूज करते हैं, इन्फेक्शन विद बैक्यूलो वायरस अकर्स व्हेन ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट मतलब जहां पे वो चांसेस हैं, जैसे आंट, वास्प या आपके पास बीटल्स ईट वायरस पार्टिकल्स, वो वायरस पार्टिकल को खा लें विद द फॉलिएज, मतलब लीस वगैरह वो ले रहे हैं उसके साथ, और वो पत्तों पे कहाँ से जाएंगे कि हम उनका स्प्रे करवा दें वहाँ उन लीव्स के ऊपर जहाँ वो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बीटल्स, आंट या वास्प। वो होस्ट क्या करेगा, होस्ट ईट्स द एनपीवी और जीवी, ठीक है, वो उस एनपीवी और जीवी को अपने साथ उस फॉलिएज के साथ उन लीव्स के साथ ले लेगा, जो क्या होगा डिजोल्व करेगा उनके इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, इन्फेक्टेड इंसेक्ट बिकम डेड, और जिस इंसेक्ट ने उस लीफ को खाया होगा वो डेड हो जाएगा। दीज बायोलॉजिकल वेपन्स आर नॉट ओनली इफेक्टिव एज द पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, इन पे तो काम कर ही कर रहे हैं, उनके साथ क्या है आपके पास जितना भी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, जैसे उसी लीफ को कोई और नॉन टारगेट वाला खा रहे तो उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं होते। बैक्टीरिया जैसे हम ले बैसिलस थ्रीनियोजेनेसिस बीटी इसे कॉमनली बोला जाता है, इज नॉन एज ए किल वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारे इंसेक्ट्स के खिलाफ काम आया जाता है, ये बायोटेक में डिटेल में पढ़ोगे। एफिड्स को यूज किया जाता है, फंगस की अगर हम बात करें जैसे ब्यूवेरिया आपके पास बेसियाना है उसको यूज किया जा रहा है पोटैटो बीटल्स और जितने भी आपके पास मोथ हैं उनके खिलाफ, ये सारे आपके पास क्या है नेचुरल है और टारगेट के अलावा क्रॉप प्लांट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता।